इंदौर के MGM मेडिकल कॉलेज की MBBS फाइनल ईयर की 4 छात्राओं का रैगिंग के मामले में पकड़ा है, जिसके चलते कॉलेज प्रबंधन ने निष्कासित कर दिया गया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। प्राप्त जानकारी के मुताबिक चारों सीनियर छात्राएं जूनियर पर कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलने को लेकर दबाव बना रही थी। MGM डीन डॉक्टर ज्योति बिंदल तक पहुंची और उन्होंने मामला एंटी रैगिंग कमेटी को सौंपा। इसी के तहत जांच में पाया गया कि यह शिकायत सही है। इसी को लेकर कॉलेज प्रबंधन ने चारों सीनियर छात्रों को हॉस्टल से निष्कासित कर दिया है। इसके साथ ही मामले की आगे और जांच की जा रही है। MGM मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर ज्योति बिंदल ने चर्चा में यह भी बताया कि यह ठोस कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि आगे से कोई भी सीनियर छात्र जूनियर छात्राओं के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार या रैगिंग जैसी हरकत ना करे। तुरंत इस प्रकरण को अपनी एंटी रैगिंग कमेटी को दिया था, जिसमें इस कॉलेज के वरिष्ठ 6 या 7 सदस्य हैं। ये एंटी रैगिंग कमेटी भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुरूप बनी हुई है। तो जब उन्होंने इसकी जांच करी, दोनों पक्षों को बुलाया, साथ वाले छात्राओं को बुलाया, वार्डन्स को बुलाया, तो ये बात सामने आई कि काफ़ी हद तक उस शिकायत में बहुत सच्चाई है, रैगिंग की घटना हुई है। और फर्स्ट स्टेप में हमें उनको चारों को हॉस्टल से निकाला है। हम चाहते हैं कि एक मैसेज जाए कि हम अपने इंस्टीट्यूशन में किसी भी प्रकार की रैगिंग एब्सोल्युटली नहीं बर्दाश्त करेंगे। कुल मिलाकर कॉलेज प्रबंधन ने चारों सीनियर छात्रों को हॉस्टल से निष्कासित कर दिया है। इसके साथ ही मामले की आगे और जांच की जा रही है। बहरहाल इस मामले में आगे क्या होता है, यह देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।